उत्तर प्रदेश के अयोध्या से आए दिन तमाम खबरें आ रही, कभी दुष्कर्म की तो कभी भूमाफियाओं की। ऐसा ही एक मामला राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर तमाम संत महात्मा धरने पर इसलिए बैठे हैं कि उनके मंदिर पर ही कब्जा हो गया। पीड़ित संत क्या चाहते हैं, क्या कुछ मांगे हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर क्या परिचय है आपका? मैं महामंडलेश्वर राजेंद्र गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री नरंजनी। सर किस तरह से देख रहे हैं, जैसे बताया जा रहा है कि अयोध्या में आपका एक जो मठ था, एक जो मंदिर था, उसको कब्जा कर लिया गया। राम जानकी साहू मंदिर पे कुछ अवैध लोगों ने जबरदस्ती महाराज को धक्के से निकाल के कब्जा कर लिया है। हमारी संस्था है अखिल भारतीय संत अखाड़ा परिषद, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मैं परसों के दिन वहां देखने गया तो वहां जबरदस्ती से कुछ लोग घुसे हुए थे, तो वहां देखने के बाद में पता चला कि इन लोगों ने तो यहाँ कब्जा कर रखा है। हमने उनको पूछा कि महाराज जी कहाँ है जो यहाँ महंत थे, तो वो गड़बड़ा गए, महंत जी को बता नहीं पाए और वो अपने हिसाब से बातें करने लगे। तो राम जानकी साहू मंदिर पे अवैध कब्जा हुआ है। बता रहे हैं कि आपका संगठन है संतों का, महात्मा का, क्या कर रहे हैं इसके लिए, क्या करेंगे? अभी विचार सभी करते हुए ऐसा सोचा है कि उसके निकालने के लिए धरना प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर किया जाएगा हमारे संत समाज की तरफ से, अखिल भारतीय संत अखाड़ा परिषद। ठीक, आप ही की मंदिर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे योगी जी से? हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे मंदिर में जो अयोध्या की माना हुआ मंदिर है, अयोध्या में सब वहाँ की सब जगह पूरे देश विदेश में नाम हो रहा है कि अयोध्या में बड़ा अच्छा काम हुआ है, लेकिन वहाँ के जो भूमाफिया बैठे हुए हैं वो मंदिरों पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, और वहाँ से जो वहाँ के जो संत हैं रह रहे हैं 20-25 साल से, उनको वहाँ से हटाया जा रहा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि इस विषय को, इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। यही हम क्या नाम है भूमाफियाओं का जिन्होंने कब्जा कर, इंद्रेश्वर और उमाशंकर और मथुरा प्रसाद और दुर्गा। मंदिर की जमीन किसके नाम है? मंदिर की जमीन है, पांच लोगों ने पट्टा लिया था, साहू राम साहू बिराज समाज वाले ने, और उस मंदिर की जमीन को हमारे महाराज जी को दे दिया था कि आप इसमें मंदिर बनाएं। तो महाराज जी ने और समाज ने मिलकर उसको मंदिर को बनाया, किसी एक का मंदिर नहीं है। महाराज जी का है? क्या नाम था? महाराज जी का था उनका रघुवर दास। आप उनके कौन है? हम उनके, वो हमारे बाबा गुरु है। अच्छा, हाँ। तो आप उनके शिष्य हैं? हम उनके नहीं, उनके शिष्य नहीं, उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य, शिष्य के शिष्य। तो आपके नाम चढ़ी है जमीन? हाँ, हमारे नगर निगम में हमारे नाम है, हम उसका टैक्स भी जमा कर रहे हैं नगर निगम में, बिजली का बिल हमारे नाम से है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। जिन लोगों ने कब्जा किया है उनके नाम से? उनके नाम से कुछ नहीं है वहाँ का। प्रशासन मदद क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन मदद इसलिए नहीं कर रहा है कि प्रशासन से वो लोग मिले हैं और प्रशासन को वो कुछ दे ले रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है, इसलिए प्रशासन खरीदे हुए हैं वो लोग। थाना कौन सा है? राम जन्म भूमि। तहसील कौन सी है? तहसील है फैजाबाद, फैजाबाद सदर। ठीक है, ये थे पीड़ित संत महात्मा जिनके मंदिर पर दबंग भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया। पीड़ित संत का कहना है कि जमीन उनके नाम है, नगर निगम का टैक्स वो जमा करते हैं, बिजली का बिल वो देते हैं, लेकिन भूमाफिया घुस के मंदिर में कब्जा कर लेते हैं। एक तस्वीर भी है जिसमें भूमाफिया बंदूक दिखा रहा है, बंदूक दिखाते हुए धमका रहा है। लेकिन इस विषय को लेकर भी राम अयोध्या जो मंदिर के पास नजदीकी थाना है, उस थाने की पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करना उचित नहीं समझा। जबकि इस बंदूक को तानते हुए जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो फोटो आप देख रहे हैं, एक पुलिसकर्मी भी मौजूद है, उस पुलिसकर्मी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित संत को दबंग भूमाफिया असलहे के दम पर बंदूक की नोक पर धमका रहे थे और उसके बाद पीड़ित अपनी जान बचाकर वहां से भागा, प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन आज तक प्रशासन ने सुनी नहीं। थकार कर ये सब लखनऊ के धरना स्थल में बैठे हैं, आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी भी योगी जी से इनकी मुलाकात नहीं हुई है, प्रशासनिक स्तर पर कोई आश्वासन नहीं मिला।
कि दबंग भूमाफियाओं से इनकी जमीन और इनके मंदिर को क्या कब्जा मुक्त कराया जाएगा, क्या दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। शायद इन्हीं पर कोई ना कोई कार्रवाई हो गई होगी। देखने की बात यह है कि संत महात्मा जो अयोध्या से आए हैं, जहां कभी बलात्कार हो जाता है राम जन्मभूमि की जगह पर सफाई कर्मी पर कर्मी से, तो वहीं पर एक संत महात्मा से मंदिर को छीन लिया जाता है, उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और अयोध्या पुलिस इस मामले पर मौन रहती है। सहयोगी भरत के साथ में रिपोर्ट लखनऊ से। अरे भाई साहब, जय हिंद। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, बताइए। भाई साहब, मैं पत्रकार विक्रम बोल रहा हूँ लखनऊ से, कैसे हैं आप? ठीक है। एक्चुअली सर, कुछ लोग यहाँ लखनऊ इको गार्डन में धरने पर हैं, इनका नाम है गणेश दास, जिनके मंदिर पे कब्जा वगैरह हो गया था और युवक ने इनको बंदूक की नोक पे भगाया है, बंदूक दिखाते हुए वीडियो फोटो सब कुछ है। इनकी मदद नहीं हुई ये कह रहे हैं, ये शिकायत भी किए हैं थाने पे। जी हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या भाई साहब? हेलो 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 जी बताओ जी। हाँ भाई साहब, ये कह रहे हैं पीड़ित हैं गणेश दास, जिनकी जमीन पे मंदिर पे कब्जा हो गया है, सारे कागजात इनके नाम है और ये कह रहे हैं कि बंदूक की नोक। मैं पत्रकार विक्रम बोल रहा हूँ लखनऊ से, इनकी एक खबर करने आया हूँ, इसलिए फोन किया आपको। अच्छा अच्छा जी भाई साहब। तो जब सब कुछ आपको पुष्टियाँ हो चुकी थी, फिर हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं पुष्टि नहीं, मैंने जो देखा है वो पूछ रहा हूँ आपसे। तो फिर आप उनका जो आप उनको न्याय दिलाइए। मैं तो खबर कर रहा हूँ, मैंने कहा पुलिस क्या कर रही है, उन्होंने शिकायत की थी। एक चीज नोट कर लीजिएगा। जी जी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो ये राम जन्मभूमि थाना है, यहाँ सबके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मतलब आप सर धमका रहे मुझे फोन पे ही? आप धमका रहे हो मुझे भाई, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप तो सारी रिपोर्टिंग जब अपने आप सारा निर्णय ले चुके हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है।